बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच एक अलग ही तरह का रिश्ता देखने को मिला है। वही पहले तो दोनों की टकरार ही बार बार दर्शकों को देखने को मिलती थी, लेकिन जब से फैमिली वीक टास्क हुआ है तब से कई बार दोनों एक दूसरे से इतने प्यार से बात करते देखे गए हैं, जिसे देखकर ऐसा लगा है कि दोनों के बीच अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन अब इसी बीच सिड और रश्मि के रिलेशनशिप पर इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने जो खुलासे करवाए हैं, उन्होंने सिड्रा के भविष्य की ओर बड़ा इशारा किया है। दरअसल रजत शर्मा ने हाल ही में बिग बॉस के घर में सिड्रा की लव केमिस्ट्री की पूरी पोल खोली। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि क्या सच में फिनाले के बाद बदल जाएगा सिड्रा का रिश्ता, क्या इनकी लव केमिस्ट्री से अब फिनाले का माहौल भी बदलेगा। दरअसल कल रजत शर्मा बिग बॉस के घर में जब पहुंचे थे तो घर वालों को उनके तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। रश्मि, पारस, असीम और सिद्धार्थ, इन सभी को टेढ़े सवालों के जवाब देने पड़े। लेकिन फैंस की नजर सबसे ज्यादा रश्मि और सिद्धार्थ पर ही थी, क्योंकि इन दोनों का एक पास्ट रिलेशनशिप जो रह चुका है। ऐसे में जिस तरह सिद्धार्थ और रश्मि ने अपने रिश्ते पर जवाब दिया, उसे देखकर फैंस ये मानने लगे हैं कि इनका ये रिश्ता अब गेम को पूरी तरह से बदल सकता है, और हो सकता है कि इनका रिश्ता भी आने वाले कल में बदल जाए। दरअसल रजत शर्मा जब घर के अंदर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने कटघरे में सिद्धार्थ को बुलाया और फिर उनसे एक्सपेक्टेडली रश्मि से जुड़ी बातें पूछी। ऐसे में सिड ने भी रश्मि से जुड़ी बातें कह दी, जिसे सुनकर घर वाले हैरान थे। दरअसल सिद्धार्थ से जब उनके और रश्मि के रिश्ते का सच पूछा गया तो इस सवाल का जवाब सिद्धार्थ क्या देते हैं, इस पर सबकी निगाहें थी। सिद्धार्थ ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, सर बात उठी है तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं रश्मि को पहले बहुत ज्यादा पसंद करता था। सेट पर एक बार इसने कुछ ऐसा कह दिया जिससे चीजें खराब हो गई। एक बार इसने शो के दौरान इंटरव्यू दिया जो छपा था, इसमें इसने कहा था कि मुझे इन चीजों से ज्यादा परेशानी होती है। जो इसने वजह बताई थी उनमें से 10 में से 9 चीजें तो ये खुद करती है। सिद्धार्थ ने रश्मि और उनके रिलेशनशिप को लेकर कहा कि रश्मि के रिलेशनशिप तो हर महीने बदलते हैं। खास बात यह है कि सिद्धार्थ से पहले रश्मि से भी रजत शर्मा ने सिद्धार्थ से जुड़े सवाल पूछे। रश्मि से जब पूछा गया कि सिद्धार्थ से उनका रिश्ता क्या है, तो इसके जवाब में रश्मि कहती हैं, बहुत पुराना, दिल से दिल तक। इसके बाद रजत शर्मा कहते हैं, घर में आने से पहले ऐसी कौन सी बात थी जो कि वो क्लैरिफाई करना चाहते थे, जब रश्मि ने कहा, ये बहुत निजी सवाल है सर। इस पर रजत शर्मा फिर से कुरेद कर बोलते हैं, यही तो समय है सब कुछ बताने का। तो फिर रश्मि पूरी बात बताती हैं। रश्मि कहती हैं, आरती ने मुझे एक दिन फोन किया। जब मैं उससे मिलने वहां पहुंची तो सिद्धार्थ भी अचानक से आ गया। मुझे इस बारे में नहीं पता था कि वो वहां पर आएगा। सिद्धार्थ ने मुझसे माफी मांगी, उसने कहा कि बात करके सब खत्म करना था। मैंने कहा ठीक है बस। रश्मि ने कहा, मिलने से पहले जब मेरी सिद्धार्थ से फोन पर बात हुई थी तो वो बहुत बुरी तरह हुई थी, यहाँ तक कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। अब सिद्धार्थ और रश्मि के इन बयानों से साफ है कि दोनों के बीच पहले काफी अच्छी और गहरी दोस्ती थी, लेकिन किन कारणों से दोनों के बीच चीजें बदल गई ये अब भी साफ नहीं है, क्योंकि दोनों ने डायरेक्टली अपने रिलेशनशिप पर कुछ भी नहीं कबूला। लेकिन बात अगर करें इन दोनों की केमिस्ट्री की, तो ऑडियंस को पर्दे पर और पर्दे के पीछे इनकी केमिस्ट्री खूब आती है। दोनों को देखकर ऐसा लगता भी है कि ये दोनों एक दूसरे को बेइंतहा पसंद करते हैं। लेकिन अब बिग बॉस के घर में आने के बाद इनका रिश्ता फिर से बदल चुका है, तो अब देखने वाली बात होगी कि रजत शर्मा की अदालत में दिए सवालों के इन जवाबों का भविष्य में सिड्रा के रिश्ते पर क्या असर पड़ता है। क्या ये कहा जाए कि अब फिनाले का माहौल भी बदल जाएगा। वेल, वी होप कि रश्मि और सिद्धार्थ के बीच की तलखी बिग बॉस के घर में ही खत्म हो जाए, और शो भले ही इनमें से कोई एक जीते या ना जीते, लेकिन शो के बाद ये दोनों दोस्त जरूर बन जाएं।